साथ शेयर करने वाली हूँ दही के चार रायतों की रेसिपी, जिसे आप फटाफट से बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। और इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये दही ले ली है। तो मैंने ये आधा आधा कप के करीब दही ली है हर बोल में। तो पहले हम एक रायता बनाएंगे, तो ये बाकी दही को मैं अलग रख देती हूँ। यहाँ पर आप दही की क्वांटिटी आप अपनी ज़रूरत के अनुसार ले सकते हैं। मैंने आधा कप के करीब लिया है। और दही को रायता बनाने से पहले दही को अच्छे से फेंट लेना है। दही को अच्छे से फेंट कर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर मैं इसे फेंट लेती हूँ। और अगर आपको लगता है कि दही ज़्यादा थिक है, अगर आप पराठों के साथ इसे स्टफ पराठों के साथ इंजॉय करना चाहते हैं, तो दही रायता को थोड़ा थिक बना सकते हैं। अगर आप इसे बिरयानी के साथ या फिर पुलाव के साथ इंजॉय करना चाहते हैं, थोड़ा पतला बना सकते हैं, तो इसमें दूध ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसी तरीके का रायता यहाँ पर तैयार कर रही हूँ। ना ज़्यादा ये थिक है, ना ज़्यादा ये पतला है। तो ये मैंने दही को यहाँ पर अच्छे से फेंट लिया है। बहुत स्मूथ सी दही यहाँ पर तैयार हो गई है। और इसके बाद मिलाएंगे हम बाकी सारी चीज़ें। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ बहुत ही थोड़ा सा अदरक, 1/4 चम्मच ग्रेट किया हुआ इस दही में डाल देंगे। इसके साथ ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी हरी मिर्च। तो यहाँ पर आप हरी मिर्च अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही थोड़ी सी हरी मिर्च डाली है। इसके साथ ही यहाँ पर मैं डाल रही हूँ सरसों का पाउडर। तो 1/4 चम्मच यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ सरसों का पाउडर। इसके साथ ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़े से चिली फ्लेक्स। ये भी आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। और चिली फ्लेक्स की जगह पे आप लाल मिर्च के पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर ऐड कर लेंगे सरसों का तेल। तो 1 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ सरसों का तेल। और साथ में यहाँ पर डाल लेंगे नमक स्वाद के अनुसार। मिला देंगे अच्छे से। यहाँ पर मैंने रायते को अच्छे से मिक्स कर दिया है। और ये हमारा पहला रायता बनके तैयार हो गया है। इस रायते को आप स्टफ पराठे के साथ इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और बनाने में बहुत ही आसान है। तो इस तरीके से ये रायता बनाइए। अब बनाते हैं दूसरा रायता, तो इसे रखते हैं साइड में। तो यहाँ पर फिर से मैंने दही ले ली है आधा कप के करीब। और दही को फिर से हम अच्छे से फेंटेंगे। तो कोई भी रायता बनाने से पहले दही को अच्छे से फेंट कर स्मूथ कर लेना है। और इसकी थिकनेस अपनी ज़रूरत के अनुसार कर सकते हैं, दूध मिलाकर कम या ज़्यादा। अच्छे से इसे फेंट लेते हैं। दही को अच्छे से फेंट लिया है मैंने। और अब चलते हैं आगे के प्रोसेस में। तो अब बनाएंगे तड़के वाला रायता। यहाँ पर 3 रायते मैं तड़के वाला बनाने वाली हूँ। तो चलते हैं इसका तड़का तैयार करने के प्रोसेस में। पहले रायते में तड़का लगाने के लिए गैस पर मैंने एक तड़का पैन रखा है। और इसमें डाल लेते हैं 1 चम्मच के करीब देसी घी। तो यहाँ पर घी में ही तड़का लगाना है, तभी हमारा रायता जो है बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। जैसे घी गर्म हो जाता है, इसमें डाल देंगे लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च 1 डाल रही हूँ मैं यहाँ पर। छोटा सा टुकड़ा डाल रही हूँ, आप अपने स्वाद के अनुसार इसे बढ़ा भी सकते हैं। और इसके साथ ही इसमें डाल रही हूँ मैं 1/4 चम्मच साबुत जीरा। तड़के को अच्छे से भून जाने देंगे। और यहाँ पर हमारा ये जीरा बहुत अच्छे से भून गया है। तो ये तड़का तैयार हो गया है। इसे डालते हैं दही में। और दही में डालने से पहले इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर। ये भी आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। मिला देंगे और इसे हम डाल देंगे दही में। तो ये हमारा दूसरा रायता भी तैयार हो गया है। साथ में हम ऐड कर लेते हैं नमक। यहाँ पर मैं स्वाद के अनुसार नमक ले लेती हूँ। मिला देते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट बनता है ये रायता। तो ये हमारा दूसरा रायता तैयार है। और देखा आपने कितना आसान है इसे बनाना। तो तैयार हो गया हमारा ये दूसरा रायता भी। तो इस तरीके से आप ये रायता ज़रूर बनाएं, स्टफ पराठे और किसी भी पुलाव बिरयानी के साथ एंजॉय करें। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इसे भी रखते हैं साइड में। लेते हैं हम तीसरे रायते के लिए दही। इसे भी हम अच्छे से फेंटेंगे। तो यहाँ पर दही को फेंटना मस्ट है। इसके साथ ही यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ इसमें नमक स्वाद के अनुसार। तो दही को मैंने फेंट लिया है। ये मैंने डाल दिया है नमक। तो ये पिंक सॉल्ट है, मैंने ये नॉर्मल वाला व्हाइट नमक जो होता है वो नहीं लिया है, सेंधा नमक लिया है यहाँ पर। ये मैंने मिला दिया है। और अब लगाते हैं इसमें स्पेशल तड़का। तीसरे रायते में तड़का लगाने के लिए मैंने फिर से एक तड़का पैन ले लिया है। इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच देसी घी। तो यहाँ पर भी तड़का हमें देसी घी में ही लगाना है। और इसके साथ ही यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 3 से 4 लहसुन की कलियाँ इस घी में। और अच्छे से इसे भून लेंगे। बहुत ही यूनिक यूनिक फ्लेवर वाले तड़के हैं ये। लहसुन को भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए।
लहसुन का कलर जो है सुनहरा होने तक भून लेंगे। तो ये देखिए काफी कलर चेंज हो गया है इसका। तो यहाँ पर हमारा ये लहसुन का तड़का बनके तैयार हो गया है, इसमें और ज्यादा चीजें डालने की जरूरत नहीं है। अब इसे हम डालते हैं दही में। तो यहाँ पर इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर लेंगे, थोड़ा सा आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं इसे, और इसे हम डाल देंगे दही में, मिला देंगे। तड़का डाल देने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ में अगर आप हरी मिर्च ऐड करना चाहें तो वो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं नहीं डाल रही हूँ। ये वाला तड़का जो है लाल मिर्च के पाउडर से ही बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो ये हमारा तीसरा रायता भी बनके तैयार हो गया है। अब बनाते हैं चौथा रायता। इसके लिए दोबारा से लेते हैं दही और दही को अच्छे से फेंट लेना। तो यहाँ पर मैंने दही को पहले से ही फेंट के तैयार करके रखा हुआ है, सिर्फ इसमें लगाते हैं तड़का। तो यहाँ पर दही में स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर लेते हैं, मिला देते हैं। दही की थिकनेस जो है आप अपनी ज़रूरत के अनुसार दूध ऐड करके तैयार कर सकते हैं। और चौथे रायते के लिए तड़का लगाने के लिए मैंने फिर से तड़का पैन चढ़ा दिया गैस पे, और इसमें मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल। तो यहाँ पर जो ये रायता है हम सरसों के तेल में तैयार करेंगे। तो 2 चम्मच यहाँ पर मैंने ले लिया है सरसों का तेल। तो चौथे रायते के लिए हम तड़का सरसों तेल में ही तैयार करेंगे, इसमें घी नहीं लेंगे, क्योंकि ये सरसों तेल में ही बहुत ही टेस्टी बनता है। और सरसों के तेल को अच्छे से पहले हम गर्म करेंगे। तेल गरम हो चुका है, इसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च। तो 2 टुकड़े करके मैंने यहाँ पर लाल मिर्च ले लिया है। इसके साथ ही इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच काली सरसों के दाने। अच्छे से भून जाने देंगे दोनों चीजों को। सभी चीजें अच्छे से भून गई है। इसके बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़े से करी पत्ते, और ये तड़का हमारा तैयार हो गया। तो इसे डालते हैं हम दही में। यहाँ पर इस तड़के को दही में डाल लेते हैं, मिला देंगे अच्छे से। और मिलाने के साथ साथ यहाँ पर हम ऐड कर देंगे थोड़ी सी हरी मिर्च, तो ये भी आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। और साथ में यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया भी ऐड कर देंगे। और यहाँ पर चारों दही के रायते तैयार हो गए हैं। तो इन रायतों को आप चाहे तो स्टफ पराठों के साथ एंजॉय कीजिए, या फिर बिरयानी के साथ, पुलाव के साथ, किसी के साथ भी एंजॉय कीजिए। सभी के साथ ही बहुत ही स्वादिष्ट लगने वाले हैं, तो जरूर ट्राई कीजिए इस तरीके से दही के बहुत ही आसान से रायते बनाना। और अच्छा लगने पर फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। मेरे साथ कमेंट करके शेयर कीजिए कि रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नए वीडियो में।